आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन हाउ टू बिकम अ जज। बहुत सारे लोग वकील बनना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिलाने वाला करियर भी माना जाता है, क्योंकि आप इसमें ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते हैं। तो बेसिकली आप अच्छे खासे पैसे तो इसमें कमा ही सकते हैं, साथ ही साथ सोशल सर्विस भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप एक अच्छा लॉयर कैसे बन सकते हैं, पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इंडिया में लॉयर बनने के लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ लॉ डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स इन लॉ ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है, जो कि होता है 5 साल, और इसको करने में आपको 5 साल लग ही जाते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स इन लॉ कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इनमें अगर टॉप मोस्ट लॉ स्कूल्स की बात करें तो वो हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बैंगलोर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल, ILS लॉ कॉलेज पुणे, सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज पुणे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बैंगलोर और स्कूल ऑफ लॉ अहमदाबाद जैसे कुछ कॉलेजेस। लॉ कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ऐसी भी हैं जो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जिसको क्लियर करने के बाद ही आपको उनके लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो पहले भी हमने आपको बताया है कि इसके लिए आपको 12 क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है 20 इयर्स तक, इससे ज़्यादा अगर आप होते हैं तो आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। क्लैट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं LLB की डिग्री के बारे में, जो कि 3 साल की होती है। ये आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 50% मार्क्स आपके हैं तो आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उनको क्लियर करके 3 ईयर्स लॉ डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, लॉ की डिग्री मिलने के बाद जिस स्टेट में आप लॉयर बनना चाहते हैं वहाँ पे जो बार काउंसिल होता है आप वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको इसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। हर 5 साल में आपको ये लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस करना नहीं चाहते तो आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ जैसे कि आप मास्टर्स कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ में, जुडिशल लॉ में, और कोई भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की तो आप किसी भी लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, टैक्सेशन फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्लाई बखूबी कर सकते हैं। अगर सैलरी की हम बात करें तो अगर आप एक एस्टैब्लिश लॉयर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी हो सकती है बिटवीन 2 लाख से 4 लाख के बीच में हर महीने की। ये आपके स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। इस वीडियो में आपने जाना कि आप कैसे अच्छे लॉयर बन सकते हैं और लॉयर बनके इंडिया में बखूबी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जाकर वो टाइप करिए, और उसका हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का जल्द से जल्द। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।